लोकतंत्र के इस महापर्व के अंतिम चरण में कहीं घटनाएं और कहीं लोगों में भारी उत्साह और अपने वोट के प्रति जिम्मेदारी भी नजर आई है। मतदान करने का जज्बा जनता में इस कदर है कि किसी भी तरह से मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इस बीच आजमगढ़ में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी और एक दिव्यांग महिला के साथ ठेला खींचकर मतदान केंद्र पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि मुझे पेट की समस्या है और मेरी पत्नी भी ठीक नहीं है, इसलिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। हमें कोई भी उम्मीद नहीं है क्या 500 क्या 1000 रुपए राज्य द्वारा दिए गए हमें ठीक कर सकते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने वोट डालने के बाद कहा कि हम अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए ठेले पर अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक आए। तो वहीं कुछ जगह पर कई मुद्दों को लेकर मतदाताओं की नाराजगी भी सामने आई है। मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा के 7 किलोमीटर इलाके में फैले दाती गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सड़क व पानी फिर मतदान। बता दें कि इस गांव में 3500 मतदाता हैं। वहीं चंदौली के नेशनल इंटर कॉलेज में मतदान के दौरान दोपहर 12 बजे मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था, इससे वहां भगदड़ मच गई। मधुमक्खियों के हमले से 12 लोग जख्मी हो गए। वहीं हमले से बचने के लिए मतदाताओं के साथ पीठासीन मतदान अधिकारी और बीएलओ भाग निकले। इस 4 बूथों पर 1 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।